टीएमसी कैंप से। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी कुणाल घोष ने शेयर इज रिएक्शन ऑन बीजेपी बंगाल बंद। He said, "We all want justice in the R.G. Khan Medical College and Hospital rape murder case. Mamata Banerjee also wants justice. The case is in the CBI's hand. One accused has been arrested. Now the CBI is investigating the matter. BJP is trying to create anarchy. Yesterday they attacked the police. Today they've called this bund. Everything is normal in West Bengal. People are rejecting the bund." Let's listen into Kunal Ghosh. ये अर्जी कर केस में वी ऑल्सो वांट जस्टिस, पूरा बंगाल जस्टिस चाहता है और ममता दीदी भी, अभिषेक भी जस्टिस चाहता है। और विद इन 12 आवर्स वन अक्यूज्ड हैड बीन अरेस्टेड। अभी ये इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये लोग यहाँ पर एनार्की तय करने का कोशिश कर रहा है। कल पुलिस को अटैक किया, आज बंद। पूरा बंगाल नॉर्मल है, पूरा। थोड़ा बहुत दो एक पॉइंट में थोड़ा वो गाड़ी मड़ी कम है, क्योंकि काल का डर के लिए, वो हमला का डर के लिए, लेकिन पूरा नॉर्मल है। बाजार खुला हुआ है, दुकान खुला हुआ है, इंडस्ट्रियल बेल्ट चालू है। 82% से ज़्यादा मॉर्निंग शिफ्ट में इंडस्ट्रियल बेल्ट में काम हो रहा है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। टी गार्डन में 80% नियर अबाउट और मोर देन दैट। आईटी सेक्टर में 100% काम हो रहा है। ट्रांसपोर्ट पूरा चालू है, बाजार दुकान पूरा खुला हुआ है। वो लोग कोशिश कर रहा है, वो ट्रेन में, वो ट्रेन के ऊपर वो बनाना लीव्स फेंकने से ट्रेन बंद हो जाता है। वो सब चीप पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन बंगाल, वी वांट जस्टिस, पूरा बंगाल वांट जस्टिस फ्रॉम व्हिच शुड बी गिवन बाय सीबीआई। लेकिन वो जो यहाँ पे बंद और एनआरकी का जो नाटक कर रहा है बीजेपी, बंगाल का पब्लिक उसको रिजेक्ट कर दिया आज। Renik Dutta is in fact live with us on this story. Renik, the TMC hitting back at the BJP, Kunal Ghosh saying everything is normal, BJP wants anarchy. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.